ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स के अंदर आपको ये गिवन है कि मान लो आपके पास दो इंडक्टर्स हैं और इसमें करंट में चेंज कर रहा हूँ। देखो ये वर्ड ज़रूरी है बोलना, करंट में चेंज कर रहा हूँ तभी तो सेल्फ इंडक्शन होगी। तो करंट इसमें चेंज कर रहा हूँ, ये देखो आई की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ रही है और इसकी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ आई की, पर डायरेक्शन करंट की ऐसे है, इसके अंदर करंट राइट है, इसके अंदर भी करंट राइट है, तो इसके अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है इसमें भी और इसमें, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी ई वन, इसमें ई टू और टोटल कितनी होगी ई, और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन को मैंने निगलेक्ट किया है। सीरीज़ के अंदर जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो दोनों के सम के इक्वल होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता क्या है, माइनस एल एल वन डी आई बाई डी टी माइनस एल टू डी आई बाई डी टी माइनस एल इक्वल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी की वैल्यू दोनों इंडक्टर्स के अंदर एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी, तो यहाँ से कैंसिल करके आपके पास क्या आ जाएगा, एल इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी एल वन प्लस एल टू। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें कि अगर दो इंडक्टर्स हैं और सीरीज में हैं तो इक्वलेंट इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी, एल वन प्लस एल टू के इक्वल होगी। म्यूचुअल इंडक्शन अगर इंक्लूड कर लें तो और करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ये यूज़ तो नहीं होता, नोट फिर भी कर लें, यूज़ यही होगा जो होगा, क्योंकि हम L और M इकट्ठे यूज़ करते नहीं हैं न्यूमेरिकल्स में। तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन लेनी है और करंट सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर 2M आएगा ये फॉर्मूला। लेकिन अगर सीरीज में है, फिर से सीरीज में है, इंडक्टर्स अभी भी सीरीज में है, देखो करंट आया और ये देखो ऐसे जा रहा है सीरीज में, लेकिन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो इसमें करंट राइट है फिर यहाँ से लेफ्ट हो गया, एक राइट है और एक लेफ्ट है सीरीज में, तो आपका L का फॉर्मूला तो सेम रहेगा L1 प्लस L2, लेकिन जो कैपिटल M है वहाँ पर ये प्लस 2M की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2M हो जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लें, M वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होता पर L वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक। और अगर ये इंडक्टर्स पैरेलल में है तो एक इंडक्टर ऊपर है एक इंडक्टर नीचे है, करंट I आया, I करंट में से I1 ऊपर गया I2 नीचे आ गया, तो इसकी जगह इक्विवेलेंट इंडक्टर्स क्या लग गया, L इक्विवेलेंट, तो E की वैल्यू सब में सेम रहेगी, तो करंट क्या होगा I1 प्लस I2, दोनों तरफ d by dt लगा लेते हैं, तो E क्या होता है माइनस L di by dt, तो di by dt क्या होगा माइनस E by L, तो यहाँ पर di by dt की जगह माइनस E by L इक्विवेलेंट, यहाँ पर माइनस E by L1, यहाँ पर माइनस E by L2, E E E कैंसिल। तो फॉर्मूला नोट करें, अगर इंडक्टर्स पैरेलल में है तो 1 by L क्या होगा, 1 by L1 प्लस 1 by L2 होगा। इसमें भी कैपिटल M निगलेक्टेड है, लेकिन अगर कैपिटल M नॉट निगलेक्टेड हो तो ये फॉर्मूला मैंने कभी यूज़ होता देखा नहीं, फिर भी नोट कर लें, वैसे पैरेलल में यही फॉर्मूला काम आता है बस और कुछ नहीं है इसमें।